Hi, welcome to the post-market session of Markets RT 30th November. My name is Gaurav Jain. आज हम बात करने वाले कि सारे major indices का कैसा performance रहा और एक-एक करके हम देखेंगे कि किस तरह से OI buildup के through हम ये समझ पाएंगे कि market का major support कहाँ है, major resistance market का कहाँ है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले Nifty के chart से। आज हमने देखा कि Nifty अपने एक new high पे जाकर close हुआ है और Nifty ने शुरू का जो सेशन था फर्स्ट हाफ वो पूरा रेंज बाउंड मार्केट निकाला, देन सेकंड हाफ में मार्केट में हमको बाइंग देखने को मिली है। जैसे कि हम ये चार्ट देख पा रहे हैं, निफ्टी ने अपने लास्ट हाफ एन आवर में पूरा मोमेंट दिया और 18700 से 18815 का 100 पॉइंट का रैली किया। उसके पहले हम गैप अप हुए थे मार्केट में और वहीं मार्केट अब एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा था, जैसा कि हमने मिड सेशन रिपोर्ट में भी देखा था। अगर हम OI चेंज की एंड ऑफ डे बात करें तो आज हमने देखा कि निफ्टी में टोटल 5% का OI एडिशन हुआ है और निफ्टी 1% प्लस बंद हुआ है। इसका मतलब ये है कि आज जो 150 पॉइंट का अप मूव आया है उसमें हमने नया एडिशन 5.29% का देख लिया है। करीब करीब 6.5 लाख शेयर नए ऐड हुए हैं। हम पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो 6 लाख शेयर, 71,000 शेयर और 6,35,000 शेयर, इस तरह से करीब करीब 13 लाख शेयर्स एड ऑन हो चुके हैं निफ्टी में और निफ्टी का ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड ही बना हुआ है। हम ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। हम बात करते हैं फ्यूचर OI एनालिसिस की। अगर निफ्टी की ही हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि निफ्टी के जो लास्ट 15 मिनट्स का मूव था उसमें निफ्टी में OI चेंज हुआ है, कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। जो भी पोजिशन शॉर्ट बनी थी दिन भर, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड था तो मार्केट के रेंज बाउंड होने पे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट किए थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पूरी शॉर्ट कवर किए गए। प्लस एक यूज वॉल्यूम के साथ में आपने देखा कि यहाँ पर निफ्टी ने हाई ब्रेक किया और हाई टू हाई क्लोजिंग किया है। ये एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए। हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो निफ्टी का जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पर आज हमने देखा कि जो कॉल साइड है वहाँ पर 18600 पे करीब 25 लाख शेयर्स जो हैं वो अनवाइंड होते दिखे हैं और वो एडिशन हमको दिखा है 18900 पे, जो एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, जहां पर 78 लाख शेयर्स का OI अब खड़ा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें 19,000 की तो 19,000 का लेवल भी बाजार के लिए एक टफ लेवल हो सकता है, जहां पर थोड़ा सा मार्केट पॉज लेगा। लेकिन अगर हम बात करें पुट साइड की, जो सपोर्ट साइड होता है मार्केट का, तो आप देखेंगे 18,500, 18,600, 18,700 एवरी 100 पॉइंट पे करीब करीब 1 करोड़ का OI बिल्डअप है मार्केट में। प्लस 18,700 में आज 67 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं। दिस शोज कि 18,700 नियर टर्म में शायद अब मार्केट ब्रेक भी नहीं करना चाहता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी ऐसे काइंड ऑफ मार्केट में क्या होने वाली है कि अगर मार्केट हमको 100 पॉइंट 125 पॉइंट नीचे मिलेगा तो वहाँ हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आने वाले टाइम में अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं इंडाइसेस में बैंक निफ्टी की। हम पिछले चार पाँच दिनों से देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। अपने ऑल टाइम हाई पे जाकर पिछले 5-6 दिनों से उसकी पूरी रैली पे एक पॉज लगा हुआ है, उसका कोई मेजर ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। 43,400 के ऊपर जाके वो क्लोजिंग नहीं दे रहा है। शायद मार्केट कोई एक नए ट्रिगर का वेट कर रहा है जहाँ से हमें एक नई रैली मिल सकती है। अगर हम इसके OI की बात करें, ओपन इंटरेस्ट एडिशन की बात करें फ्यूचर्स में, तो फ्यूचर्स में देखते हैं कि करीब करीब आज जो 2% का एडिशन हुआ है, दिस इज़ वेरी स्मॉल एडिशन एट द फ्यूचर साइड से। 55,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और हम देखेंगे तो पिछले कई दिनों से एक बड़ा मेजर मूव बैंक निफ्टी का पेंडिंग है। तो अगर मार्केट 43,400 के ऊपर निकलता है तो हम डिसाइसिवली वहाँ से 300-400 पॉइंट का एक रैली देख सकते हैं। अगर हम फ्यूचर OI एनालिसिस की बात करें तो आज बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो हमको देखने को मिला। जब लास्ट के हाफ एन आवर में हमको एक रैली देखने को मिली और वहां पे करीब 200 पॉइंट्स का एक अप मूव देखने को मिला विद अ यूज वॉल्यूम, जिसमें 15 मिनट जो इनिशियली थे वहां पे OI सब्सट्रैक्ट हुआ है, OI सब्सट्रैक्ट हुआ है और उसके बाद में OI का एडिशन देखने को मिला, जो कि एक फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप की तरह काम कर रहा है। वहीं हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो बैंक निफ्टी का जो OI है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर बना रहा है, क्योंकि हम अगर इसको पुट साइड देखें तो 43,200 के पुट पे
करीब 22 लाख शेयर एडेड हैं, जिसमें से 10 लाख शेयर तो आज ही ऐड हुए हैं। तो जैसा हमने निफ्टी में देखा था कि निफ्टी 18,700 के नीचे नहीं जाना चाहता है, सेम सिनेरियो अब बैंक निफ्टी में 43,200 पे बन रहा है कि यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड, मतलब जो एक पॉज रैली है उसको ख़त्म करके अब एक नए ट्रेंड को बिगिन करना चाहता है ऑल टाइम हाई पे। प्लस 43,500 के कॉल पे आज 5 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं और टोटल ओआई हो गया है 35 लाख। अगर उसके अलावा हम बात करें तो सीधे 44,000 का जो 44,000 का जो कॉल है वहां पे मेजर बिल्डअप बना हुआ है और 18 लाख शेयर्स वहां पे आज ऐड हुए हैं। तो अगर हम ओवर द पीरियड इस सीरीज की बात करें, इस वीकली एक्सपायरी की बात करें, तो मार्केट हमको इमीडिएटली 44,000 के ऊपर नहीं दिख रहा है, जिसकी कल ही एक्सपायरी होने वाली है। अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे इंडाइसेस की, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले ऑटो इंडाइसेस जो बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसका परफॉर्मेंस कैसा है और वो अपने की एवरेजेस से कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो इसमें एक ट्रेड ट्रेंड का बिगनिंग हुआ है, अगर ये 18,500 के ऊपर निकलता है और वहाँ डिसाइसिवली क्लोज देना स्टार्ट करता है, तो हम देखेंगे कि ऑटो सेक्टर का पूरा रैली रिज्यूम हो गया है, क्योंकि ये इंडाइसेस कंटिन्यूसली हायर लो बना रहा है। और ये जो इसका हायर हाई वाला पैटर्न यहाँ जहाँ फॉल्स हुआ है उसके ऊपर अगर ये ब्रेक होता है 13,500 के ऊपर, तो यहाँ पे एक नया रैली बिगिन हो जाएगा। वही हम बात करते हैं निफ्टी के एफएमसीजी सेक्टर की, तो पिछले 2 दिनों से आप एफएमसीजी स्टॉक्स को देखेंगे, डाबर हुआ, आईटीसी हुआ, तो वहाँ एक रैली बिल्डअप हो रहा है। वही चीज़ हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर वापस अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक करके ऑल टाइम हाई पे आता दिख रहा है। अब बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस की। सिंस जो निफ्टी फाइनेंस है ये एक बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा है, यहाँ के स्टॉक्स में अब देखेंगे कि हमें एक नया अपमूव देखने को मिल सकता है और बहुत जल्दी ये अपना एक नया ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है 19,700 का। सबसे ज़्यादा अगर बीटन डाउन कोई इंडाइसिस था तो वो था निफ्टी आईटी, जो कि ऑलरेडी 30% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से नैसडेक और डाउ जोन्स ऊपर आ रहे हैं, उसी प्रकार से निफ्टी आईटी भी अपना एक सपोर्ट बनाकर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। अगर ये अपने लेवल्स 30,700 के ऊपर आके ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ दिखेगा। और ये वैसे भी अपने 200 DMA पे खड़ा है निफ्टी आईटी इंडेक्स, तो जैसे ये ब्रेक होगा हमें एक नया रैली देखने को मिल सकता है। हम बात करते हैं सीएनएक्स मेटल की। अगर इस मेटल इंडाइसिस की बात करें तो इसने नीचे से एक बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया, देन एक कंसोलिडेशन का फेज आया है और अपने 20 DMA से सपोर्ट लेके, कल सपोर्ट लिया इसने 20 DMA पे और आज एक रैली स्टार्ट हुआ है। तो हो सकता है कि सेक्टर्स टू वॉच में हमें नेक्स्ट वीक मेटल सेक्टर को देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे एक अच्छी रैली डेवलप हो सकती है। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फार्मा की। फार्मा सेक्टर कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसका अभी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, वो सेल ऑन राइज ही बना हुआ है। मार्केट का थीम अगर हम देखें, सीएनएक्स जो पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स है वो बहुत आउट परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है जो हम देखते हैं इसके मंथली चार्ट्स पे जाके, कि जब भी ये इंडाइसेस 4,200 के ऊपर जाने की कोशिश करता है इसको एक मेजर सेल ऑफ मिलता है। यही हमने 2014 में देखा था, वही यही चीज़ हमने 2017-18 के फेज में देखी थी और वही उसी फेज से ये वापस रिवर्स हो रहा है। तो शायद पीएसयू बैंक्स का रैली अब यहाँ पे एक बार पॉज ले सकता है और हमें सेक्टर रोटेशन देखने को मिल सकता है, और जो कि हम देख भी रहे हैं कि एफएमसीजी में ब्रेकआउट आ रहा है, निफ्टी आईटी भी अब नीचे से रिकवर हो रहा है। तो पीएसयू बैंक्स में अगर आपका पोजीशन है तो उसको आप थोड़ा सा कूल डाउन कर सकते हैं और नए सेक्टर्स में आप पोजीशंस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक की। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में भी सिंस इतने टाइम्स अगर आपने देखा, तो जब पीएसयू बैंक्स रैली कर रहे थे तो प्राइवेट बैंक्स एक रेंज बाउंड मार्केट में ही काम कर रहे थे। अब प्राइवेट बैंक्स ने थोड़ा सा लीडरशिप लिया है और वही शायद प्राइवेट बैंक्स ही अब बैंक निफ्टी को पुश करेंगे हायर लेवल्स की तरफ। अब हम बात करते हैं निफ्टी के सीएनएक्स एनर्जी इंडेक्स के बारे में। सीएनएक्स एनर्जी अभी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, एक नया ट्रेंड डेवलप होने की कोशिश है यहाँ पर और वो 28,250 तक जाने की कोशिश कर सकता है इस रैली में। रियलिटी सेक्टर एज इट इज़ सीएनएक्स एनर्जी जैसा ही उसका चार्ट है, अभी अगर ये 460 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो हमें एक
शायद एक रैली डेवलप होते हुए दिख सकती है। हम लोगों ने देखा है कि मिड कैप बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे निफ्टी ब्रॉडर इंडाइसिस को के कंपैरिजन में। जैसे निफ्टी अभी 10-12% बढ़ चुका है, लेकिन हमें मिड कैप में वो कैचअप रैली नहीं दिख रही है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से वो रैली डेवलप होते हुए दिख रही है। वहीं अगर हम की एवरेजेस की बात करें तो ये सारे इनलाइन हो गए हैं 25th of November से। तो पिछले 4 दिनों से तो एक मिड कैप में थोड़ा सा कैचअप रैली आता दिखा है, और अगर ये इसके की रेजिस्टेंस 32,000 के ऊपर 2-3 दिन निकल रहता है तो हम यहाँ पे एक अच्छा रैली देख सकते हैं, और ये इंडाइसेस भी करीब करीब अपने ऑल टाइम हाई की तरफ निकलने की तैयारी करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर स्मॉल कैप की है। स्मॉल कैप ने बहुत ज़्यादा टाइम से अंडर परफॉर्म किया है। हम देख भी रहे हैं कि जो ये रैली आया है ये मेजरली निफ्टी के निफ्टी साइड बैंक निफ्टी साइड ही आया है, लेकिन जो स्मॉल कैप है मिड कैप है वो बहुत सिलेक्टिवली रैली आया है। तो अगर ये कुछ रेजिस्टेंस जोन को पार करते हैं, जैसे कि अगर ये अपना 10,200 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पर भी एक नया रैली देखने को मिल सकता है। CNX मीडिया इज टोटली अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर। यहाँ पे कोई कैचअप रैली कोई कुछ भी अभी दिख नहीं रहा है। इंफ्रा एक नया थीम के जैसे आया है ऊपर, और निफ्टी इंफ्रा का अगर आप चार्ट देखेंगे तो करीब करीब इसने 2021 में जब मार्केट पहली बार रिवर्स हुआ था वो हाई ब्रेक किया, जैसे कि निफ्टी का चार्ट है वैसा का वैसा निफ्टी इंफ्रा का डिक्टो चार्ट है जो एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ निकल रहा है। तो अगर आपको किसी सेक्टर में दिमाग लगाना है तो वो निफ्टी इंफ्रा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ गेनर्स की। तो अगर हम बात करते हैं गेनर्स की, तो आज हम लोगों ने देखा कि जो इंडस्ट्री वाइज अगर कहीं किसी सेक्टर वाइज अगर हमको थीम दिख रही है तो वो है आज होटल सेक्टर्स सारे ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे थे। ताज GVK हुआ, लेमन ट्री हुआ, तो हमको वहाँ पर एक नया रैली एक नया स्टेज दिख सकता है जहाँ पर एक नई रैली स्टार्ट हो सकती है। उसके अलावा ये बात करें अगर हम जैसे PSU बैंक से, तो वहाँ पर एक करेक्शन उनको इंडाइसिस में भी दिख रहा है कि वो एक मेजर रेजिस्टेंस पे खड़ा है, तो वहाँ से उसका रैली मिटिगेट हो सकता है, वो नीचे की तरफ आ सकता है। आज अगर हम ओवरऑल ब्रेड की बात करें मार्केट की, तो मार्केट में ब्रेड भी बहुत स्ट्रांग था। उसके अलावा अगर हम टोटल बात करें कि मार्केट में आज किसने आउट परफॉर्म किया, तो आप देखिए GMR इंफ्रा, हमने उसका इंफ्रा सेक्टर का चार्ट देखा था, ऑलरेडी 6% अप था GMR इंफ्रा। इसी प्रकार से इसके जो मिड कैप्स हैं वो भी विद टाइम आउट परफॉर्म करेंगे। सेम चीज़ हमको मेटल सेक्टर में एक लीडर मिला है जिंदल स्टील, एंड सेम M&M ऑटो सेक्टर में। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर से लीडरशिप देखने को मिल रही है, और जो मार्केट है उसका ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश बना हुआ है। थैंक यू फॉर दिस सेशन। आप मार्केट साथी को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।